तो मेरी माँ के जेवर तुम्हारे पास है तनु, दे दो तनु मेरी माँ के जेवर, मेरी माँ की लाश निशानी है वो तनु। आदिल मेरा पैसा मेरा जेवर लेके चोरी करके गया मेरे घर से, जिस दिन वो अपना बैग उठा के गया था तुम्हारे पास। सीसीटीवी फुटेज भी है, तुम्हारे कार पार्किंग भी किया तुम्हारी बिल्डिंग में, सीसीटीवी फुटेज भी है, तुम्हारे पास आके जिम में तुमको माथे पे चुमा है, सारा सामान लेकर गया है। तुम लोग मिले हो होटलों में, कारों में, तुम्हारे बिल्डिंगों में वॉक किए हो, सारा सीसीटीवी फुटेज है। मेरी माँ के जेवर है वो, दे दो, मेरी माँ की आखिरी निशानी है वो, मेरे लिए वो बहुत कीमती है। अगर तुमको दिया है आदिल ने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए उसकी माँ के जेवर बता के, तो मुझे दे दो। तुम्हें क्या मिला मेरी शादी तोड़वा के? मैं 7 महीने से सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कोई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आए हो बच्चे होंगे, जैसा मैंने आपको क्लिप में दिखाया, राखी सावंत बोल रही हैं, अपना बयान दे रही हैं मीडिया के सामने कि उनका माँ का जेवर जो था, सब मम्मी का जेवर था, तो आदिल ले गए थे चुरा के, और तनु जो उनकी गर्लफ्रेंड है, मतलब अब है गर्लफ्रेंड, तो उसको सब दे दिया है। राखी सावंत की मम्मी का जेवर ले जाके चुरा के क्यों दे दिया वो तनु को, तो ऐसा वो बता रही हैं, वापस मांग रही हैं आदिल से। अगर सच में चोरी किया है तो ये तो गलत बात है ना फ्रेंड, उसकी मम्मी का जेवर को क्यों चोरी करके ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दे देगा? इतना गलत गलत, मतलब गलती पे गलती, गलत पे गलत करते ही जा रहा था राखी सावंत के साथ। तो अब सारा भांडा फूट रहा है, सारा चीज़ सामने आ रहा है मीडिया के सामने, राखी सावंत बता रही है, इतना इतना मतलब महीनों से अपने छुपा के रखी हुई थी, लेकिन अब सब बता रही है मीडिया के सामने। तो अगर सच में चोरी किया तो उसको तो ऐसे भी सजा होगा, अभी तो जेल में है, और ऐसा किया है तो डबल सजा होगा। आगे कोई अपडेट आता है फ्रेंड तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी बताऊंगी। तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़।